अभी हम जा रहे हैं, एक मेहमान आने वाले हैं आज हमारे घर, तो उन मेहमान को लेवाने जा रहे हैं। देखो गाइज, पापा अपना सामान ले आए थे वो वाले घोड़ा को जो हमारे पास है। तो गाइज आज बहुत बड़ा धोखा हुआ है आज हमारे साथ, और अपनी लाइफ में अब तक पहली बार धोखा हुआ है ऐसा कि। दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग्स में। सो आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, सभी को राधे राधे। गाइस सुबह के बज रहे हैं 7 और जल्दी भी उठ गए हम आज, चाय भी पी ली है सुबह से। निधि ने जल्दी चाय बना दी थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गाइस देखो हमें मुंह से भी धुआं निकल रहा हो और कोहरा भी बहुत हैवी वालों लगो, कल से आज ज़्यादा है। तो जल्दी से चाय भी पी ली, पापा भी आ गए थे अभी, तो वे भी चाय पी के चले गए, बाड़ी में निकल गए क्योंकि मोटर चलाना है उन्हें खेत में, और निधि अपना काम कर रही है। देखो यश दाऊ भी मिल गया हमें, राधे राधे भाई साहब, राधे राधे। बढ़िया हो? किसमस क्या बात है, देखो आज ये अपनी छुट्टी मना रहे हैं। आज क्या है भाई, डे? क्रिसमस डे है? हाँ अच्छा सही है सही है। तो आज गाइज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, देखो यश टोपा लगाए हैं, आज इन्हें ठंड ज़्यादा लगी ना, तो इनकी हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता। आज नहीं हो रही तुम्हारी हेयर स्टाइल आज नहीं ख़राब? हो रहे, बहुत हाँ ठंड है। देखो इधर ही निधि खड़ी हैं, राधे राधे, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो? बढ़िया देखो है, कितना है भी साल उड़े हैं, ये ठंड लगे साल है कि सॉल है? सब है, साल ही है, साल ही है। कौन सी साल है? साल है, नई साल है आ नई रही, साल है या नई साल दिखा रही? आ रही क्या आ रही, तुम तो कहेंगे साल है, साल नहीं है सॉल है, सॉल। हाँ ऐसा बोला करो, तुम्हारा सॉल हमें अच्छा लगा, ठीक है, ओढ़िएगा और अपनी ठंड बचाइएगा, अच्छा ठीक है। तो लगे ही ना तुम्हारे मुंह लगे से धुआं नहीं निकल रहा? नहीं निकल रहा, निकला नहीं निकल रहा। सबके से यस तुम्हारे निकला। मुंह से निकल रहा? नहीं, हाँ यस के मुंह से निकल रहा है, तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा। तो ब्रश? हाँ वही तो बात है, ब्रश जो कर ले तुमने, नहीं करोगे हमने ब्रश? करो, हम तो सबसे पहले कर ले सुबह। अच्छा हाँ चलो ठीक है, निधि कर रही है ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी भी तैयार तुम हैं। भी तैयार हो गए नहाए? अरे भाई साहब नहा के आ यार हम, अबे नहाए अरे वाह यार, जब तुम ठाकुर जी की पूजा कर रही थी जब नहाए आए, देखो हमारे ठाकुर जी भी तैयार हो गए, वाह। मम्मी, गरम गरम कपड़ा पहने ठाकुर जी? और का तुम नहीं पहना गरम कपड़ा, नहीं ठंड है तुम्हें भाई ठंड साहब, लगा सोने ना लगे। ठंड है, ठंड है भाई साहब। ठाकुर जी की और ज़्यादा भैया देख रेख करियो ना, ठाकुर जी को ठंड लग जाए नहीं गरम कपड़ा है। पहना, वही तो, ठाकुर जी को भैया ज़्यादा सोस है, निधि को ज़्यादा रसोस ठाकुर जी को। सही है भैया, होना चाहिए। आज तो भैया निधि की बड़ी बड़ी पार्टी चल रही है, देख ले बहुत हो, देखो कितनी सारी चाय पी रही हैं ये, देखो टिफिन में भी रखे हैं। चाय मतलब थोड़ी सी डायरी पत्ती अच्छा दूध है। हाँ सही है, लेकिन भाई साहब जी कौन सा समय है 12 बजे चाय पी रही हो आप? खाना खा ले? उपास है, अच्छा आज व्रत है क्यों? स्वागत है, उपास है। अच्छा हमने जानी क्रिसमस डे उपास ही हो तुम। हाँ अच्छा तो कौन स्वागलन में जाने हैं तुम्हें? अच्छा हाँ हमने चाय पी लें तो ना बस ठंडे सी लग रही तो ना अच्छा जी, मुझे उससे अच्छा, चाय नहीं है, उसमें दूध ही है, नेक सी पत्ती डाली। हम सोच रहे हैं कि यार खाना बना लो हम लोगों ने खा लो, फिर तुम खाना ना खा के चाय पी रही हो, आज बहुत बड़ी बात है कि खाना ना खा के चाय पी रही हो, हैं? तुम तो वैसे कहो नहीं पी जाती, सो हमने पूछी है, ठीक है पी लियो। तो अभी हम जा रहे हैं, एक मेहमान आने वाले हैं आज हमारे घर, तो उन मेहमान को लेवाने जा रहे हैं हम, क्योंकि मेहमान वो ऐसे हैं कि बगैर हमारे जाए आ नहीं सकते हैं। और भाई साहब मेहमान की चाल देखो तो इस तरह की चाल है कि जैसे घोड़े की चाल हो ऐसे चाल है हमारे मेहमान की। हाँ वाह बिल्कुल है, ऐसा ही चाल घोड़े की चाल, काहे के घोड़े तो है ही वे, तो घोड़ा की चाल घोड़ा जैसी काहे ना हुए। सही है सही है। तो गाइज हम और पापा और बड़े भाई साहब जा रहे हैं घोड़ा लेने के लिए, जो हम घोड़ा उस दिन पापा और हम लोग सब जने देख आए थे वही घोड़ा डिसाइड होगा, तो उसी को लेने के लिए जा रहे हैं, 65,000 रुपया में तय होगा, तो आज वही ले भी जा रहे हैं क्योंकि आज सोमवार है तो बढ़िया दिन है इसलिए निकल रहे हैं। और गाइज पैसे तो वैसे थे नहीं घर पे, निधि हमसे बोलेंगे तुम अपने यूट्यूब के पैसा निकलवा के दे दो पापा को, तो हमने कहा भाई दे दो, क्योंकि गाइज सबकी खुशी में शामिल होना चाहिए, मम्मी है क्योंकि नहीं भाई है तो घर गाइज मम्मी तो है नहीं, तो पापा की डिमांड थी कि भाई वही घोड़ा लेना है हमें, हमने कि बताओ यार फिर क्या करें, सुजी बोली अपने यूट्यूब की पेमेंट निकाल लो और पापा को दे दो,
अभी हम जा रहे हैं। प्रीतिपुर से एटीएम से पैसा निकाल के और बस घोड़ा लेके और फिर आ रहा है। तो आज देखो निधि भी बहुत खुश हैं और हम भी आज बहुत खुश हैं। और पापा की तो कुछ पूछो ही नहीं, काहे पापा की कैस तो बाय कुछ बाय कह रहे पापा से कि आज तो दादा को भी मन नहीं लग रहा, जल्दी जल्दी घर आए, कबे चला कबे चला। तो गाइस सही बात है, आप सब लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है और आपको वहीं पे चल के फिर दिखवाएंगे हम आपको। हम पहुंच गए हैं और पापा को भाई साहब हुए थे, छोड़ गए थे पहले, फिर उसके बाद चले गए थे हम एटीएम तक पैसा निकाल के, तो पैसा निकाल लिया है। और घोड़ा के जो धनी हैं वे तो होते हैं नहीं यहाँ, वे शायद कौन काम से बाहर गए, जो भी कछु काम हुए पापा बता रहा है। तो अब घोड़ा तो जी बंद है, देख लियो पापा डाल रहे हैं उगे लगाम। देखो पापा की कर रहे सफाई, आज हमारे पापा बहुत खुश हुई हैं क्योंकि पापा की पसंद की चीज़ आ गई। खुश हो? खुश हो? देखो भैया पापा कह रहे हैं कि आज बहुत खुश हैं। इन्हें नहाओ ना हुई है ठंड की वजह से, क्योंकि कोहरा ज़्यादा लग रहा हो तो ये वजह से नहाओ ना हुई है। पापा कह रहे क्या बनी नहाओ ना और ऐसी सफाई करें दे रहे। देखो कितने आराम से खड़ो है। देखो गाइज पापा अपनो सामान ले आए थे वो वाले घोड़ा को जो हमारे पास हतो, जो अब नहीं आया इस दुनिया में, उसको सामान रखो तो सो पापा देखो वही को लेता आए थे। बढ़िया चुमाचुम सामान आगा उसको, यानी कोई भी बस केबल जो मोरा है जो जो तनक ढीलो है, क्योंकि उसको थोड़ो तो सब फटफट बैठो सब। देखो पापा बता रहे बोले और तो सब पूरा फिटिंग को आगो, बस केवल मोरा की कमी है। तो पापा बता रहे बोले इतना टाइट कर दें हम थोड़ा सा, ये सो सही आ जाए, क्योंकि गाइज ऊको जो है तो मुँह बड़ो है तो वो बड़ी साइड को है तो ज़्यादा घोड़ा, तो ई वजह से जो ढीलो आ रही है। सो पापा कह रहे वो तो सही कह दें हम। बाकी देखो तैयार भी हो गए, अभी बस जाने की तैयारी है। सो भाई साहब गए थे पैसे दे भी, तो अभी भी लौटे ही नहीं है। और देखो ई की जगह पे जो हम ले जा रहे हैं, ई की जगह पे देखो अभी जो घोड़ा लेता है जो, और ईखों भी हम गाइज देखे आए थे, एक बार देख भी गए थे, ये भी देखे आए थे, तो जो पापा को पसंद नहीं आया। तो गाइज हम पहुंच गए हैं घर पे और आप लोग सोच रही हो कि इतने लेट क्यों हो गए, घोड़ा कहाँ है, तो गाइज वो सब चीज़ हम बाद में बताते हैं। हम वहाँ से थोड़ा सा आते आते लेट हो गए और रास्ता से देखो सब्जी वब्जी भी ले आए, तो अभी घर आए तो यस मिल गए हमें, तो यस से हमने चाबी ली और पूछा इनसे कि भाई माँ कहाँ है, तो ये बता रहे हैं कि माँ गई हैं उनके वहाँ सुहागलें हो रही हैं, तो उनके यहाँ चलेंगे। तो हमने कहा चलो टाइम हो रही है, पहले संध्या कर दें भगवान जी की, क्योंकि 6:30 बज रहे हैं शाम के, और आगे की बात फिर बताते हैं हम आपको। गाइस संध्या कर दी है हमने ठाकुर जी की, और देखो लाइट भी चली गई है कुछ समय के लिए, तो हम तो संध्या कर रहे थे दोनों तक, देखो निधि भी आ गई है। घोड़ा घोड़ा तो घोड़ा भाई कहते हैं, नहीं बीड़ा में कहा बांधे जाते, हम तो ना बुलाते थाली लगी रखी थी, तो हम जल्दी भगे हैं कि घोड़ा खड़ा हो जाए तो टीका करना है, पूजा करना है। तो घोड़ा ले आई नहीं क्या, तो की करना है घोड़ा की कहाँ है घोड़ा, जैसे उनने दवाई नहीं है तो की करो। हाँ झूठी की है। अरे यार का मजाक कर रहा है, अबे हाल संजय करके निपटी, हम झूठ थोड़ी बोले तुमसे, दवा नहीं है वो कैंसिल होगा उनको, भाई एक लड़का है उनने मने कह दी। अरे तो फोन पे क्या थी क्या हो ले जा छोड़ी, अरे तो अब सुबह यहाँ बात हो गई थी। अरे वो हुआ ऐसा, बताते हैं आपको विस्तार से कि वहाँ तक सुबह टाइम बात हुई थी हमारी, मतलब हमारी नहीं गई थी, पापा ने बात करी थी, तो भी बता रहे थे कि ठीक है आ जाओ ले जाओ। तो हम लोग यहाँ से अपना इंतजाम करके पैसों का और जो कुछ निकाल लेते, तो प्रीतिपुर एटीएम से निकाले, हमने आपको बताया था, और निकालने के बाद वहाँ पहुँचे पैसे दे दिए और देने के बाद घोड़ा भी तैयार कर लाओ। इतने तक कि हम लोग घर आए के लाने तैयारी पूरी लगन लगी थी कि चलो अब बस, दोनों तक उनको लड़का आ गो, और अचानक लड़का ने मना कर दी, बोले भाई हम नहीं देंगे घोड़ा। तो कहीं भाई कोई पैसों वैसों की बात हो तो बताओ, क्योंकि गाइज पैसन की बात तो हो ही गई थी क्लियर है, तो बाकी उनसे भैया से पूछे कि कोई अगर पैसों की बात हो तो आप जैसे बता दो कि और ज़्यादा चाहिए कि क्या रीज़न है, बोले बस पैसों वैसों की कोई बात नहीं है और हमें बस देना ही नहीं है। तो कहीं भाई ऐसी थोड़ी ना बात होती है कि आपने पहले बात कर ली, आपके पापा ने बात कर ली और आप कह रहे कि देनी नहीं है हमें, ये तो गलत बात हुई। काफ़ी टाइम तक बैसावासी होने के बाद, हालांकि हमने वहां का ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मूड ख़राब हो गया था गाइस, इसलिए मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया फिर वहां का, और पापा की भाई साहब की सबकी उनकी बैसावासी होत रही, तो हम तो बैठे बैठे सुनत रहे, हमने कुछ भी नहीं कहा बीच में।
और इसके बाद जब लास्ट में फाइनल यही हुआ कि भाई देनी नहीं है, तो हम लोग फिर वहाँ से सीधे घर निकले आए। तो रास्ते में बाजार लगा था तो सब्जी ली, तो बस सीधे घर चले आए। यहाँ आके देखा तो झीनी हती जी गई थी स्वागलन में, तो संध्या का टाइम हो रहा था और उधर बाड़े में भैंसन ऐसन घुसानी वानी तो जी बना के चली गई हुई है। तो कह रहे थे सब काम के घोड़ा आ जा, चलो जल्दी हम उतर भी जाना पूजा। वही तो पापा चले गए भैंस लगाए सीधे, और हमने सोचा कि चलो पहले ठाकुर जी की सेवा कर लें, क्योंकि समय भी हो रहा था, इनको जाना कब तक आने। तो संध्या करी जाती दोनों तक जी आ गई। आज आज बहुत बड़ा धोखा हुआ है आज हमारे साथ, और जिंदगी में मतलब अपनी लाइफ में अब तक पहली बार धोखा हुआ है ऐसा, कि बात होने के बावजूद भी आदमी अगर पलटी खा जाए तो गलत बात है गाइज। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई अब तो। कि जैसे कि आज आपको पता होगा कि पिछला व्लॉग मैंने कब बनाया था कि हम लोगों को घोड़ा डिसाइड होगा, फाइनल होगा, उसी दिन रेट कंफर्म हो गए थे, हर चीज़ हो गई थी, बयानों भी दे के आ गए थे, सब कुछ हो गया था। लेकिन अचानक आज फोन पे बात करके भी हांकने के लिए गए तो लड़के ने मना कर दी। उनके घर में एक मालिक नहीं है, उनके घर में पूरा घर मालिक खुजे इसके मतलब। हाँ तो अब जो भी कछु हो तो भाई बाप की बात नहीं मानी लड़का ने, तो भाई मना कर दी। जैसे तो एक सलाह कर लेते उनके घर के आदमी कि भाई क्या देना है कि नहीं देना है, तो काय को हम इतना परेशान होते काय को। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया गाइज। अब गाइज अभी हाल तो पापा से पूछेंगे, अब अभी हाल तो वो चले गए थे सीधे, अब उनसे पूछेंगे कि भाई क्या बात है, मतलब और कहीं देखना है कि नहीं देखना, लेना कि नहीं लेना, तो वो बताएंगे अभी। लेकिन ऐसा धोखा नहीं करना। लेकिन अब ठीक है गाइस, एक बार सीख गए ना, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। और आज तो मूड ही खराब कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि सब लोग बड़े खुश थे। पापा को भी आपने देखा हुई है, जब पापा घोड़ा तैयार कर रहे थे, हमने पापा से पूछा था, पापा कितने खुश होते हैं। निधि भी बहुत खुश होती है, ये अपनी थाली लगाए भी रखे हैं, थाली भी लगाए रखे हैं, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो हम बता ही दें। नहीं नहीं यकीन है, तो सब लोग गाइज सब लोग मतलब तैयारी में हंसते कि चलो ठीक है आ रहा है, तो सब लोग खुश, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। होते भी हम सब होते हैं, सिंह कह रहे थे कि हमारा घोड़ा आ रहा, पापा जी ले भी गए घोड़ा, हमें जल्दी जाना है। थाली हम लगा कर रख गए थे कि चलो जैसे ही हम आए जैसे हम जल्दी पूजा कर दें घोड़ा। चल ठीक है अब कोई बात नहीं। तो गाइज अभी पापा नहीं आए हैं, पापा भैंस लगा के आ रहे होंगे बस कुछ ही क्षणों में, तो चलो उनसे भी एक दो बात करते हैं। और मम्मी भी आ गई हमने सुनी, ऐस बता रहा हूँ। तो मम्मी आ तो गई नहीं कि हाँ है। अच्छा तुम्हारी साथ चली गई थी। हाँ तो चलो गाइज मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए हैं भैंस लगा के। लेकिन पापा अच्छे आदमी नहीं आते जी, रिश्तेदार हैं ना, लेकिन रिश्तेदार हैं ना, दिल्ली के बेकार है, बेकार बात वाली नहीं जा भाई। तो चलो कोई बात नहीं, और कहीं देख लें ना कछु। कौन वही थोड़ी ना है। अरे हाँ जो कछु मिल जाए, कहीं और अच्छा मिल जाए दूसरा, यही जाना है क्या ही हो रहा है। चलो ठीक है। तो गाइस निधि झूठ नहीं बोल रही थी, थाली जी लगी रखी देखा इनकी, वाह यार। चलो ठीक है अब कोई बात नहीं, पापा बैठे हैं पौड़े में, तो भी बता रहे बोले बाड़े में ओरेन भी डाले आए जी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी तो अभी आई नहीं है, मम्मी को शायद जाने कितना टाइम हो जाए आने में। सो गाइस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं सुबह न्यू ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।